इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर बोलो हाय, उधर हाय बोलो, उधर हाय बोलो, हाय हाय। नहीं नहीं मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अरे नहीं, इधर आ जाओ, इधर आओ, पापा के पास आओ, पापा के पास आओ, आ जाओ, आ जाओ। फोटो खींच रही, थोड़ी नहीं वीडियो बना रही हूँ भी। क्यों इसके जाहे हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी जो है सुबह का जो है 10। हाँ क्या हुआ? यहाँ दूँ, बोल रही है कि यहाँ पे रख दूँ मोबाइल, यहाँ पे, यहाँ पे रख दूँ, यहाँ से रख के बात करूँ। चलो ठीक है, ऐसे रख देती हूँ ना। हाँ ऐसे, चलो इधर से बात करो, इधर से बात करो, ऐसे बात करो, ऐसे। हेलो मुन्ना, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अब तुम जाओ, हम काम करेंगे ना, जाओ काम करूंगी। किट्टू जाओ, जाओ पापा का, जाओ जाओ। हाँ हाँ, क्या क्या बात करोगी बोलो। हाँ किसी दे दो, किसी किसी दे दो, ऐसे दूर से दे दो, दूर से। फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस दो, रहन दो, तुम नहीं दे रही हो। तो गाइस किट्टू जो है अभी परेशान कर रही है, वो काम नहीं करने देगी मुझे। और मैंने ब्लॉग बनाना जो है कम से कम 7 या 8 दिन हो चुके हैं, 7-8 दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और अभी जो है बस काम करना शुरू किया। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सुबह जो है था ना, मतलब उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा कमरा बंद बंद भी रहता है ना, तो और अंदर ही अंदर रहती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही मुझे ठंड लगती है। तो अभी मैं धूप में बैठी हुई थी बाहर, और पहली बार थोड़ा सा निकली थी बाहर, और अब अंदर आ गई हूँ। अब काम करना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अगर मैं ये सोचूंगी ठंडे ठंडे तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो अब काम करना शुरू कर रही हूँ। तो बिस्तर जो है अभी थोड़ा सा उठाया है, इतने में किट्टू आ गई तो मैं उसमें लग गई। तो अब मैं चलो काम कर लेती हूँ, काम लेट बहुत हो गई हूँ मैं। मुझे गाजर का हलवा भी बनाना है, गाजर खरीद के रखा है इन्होंने, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये तो ये गाजर का हलवा भी बनाना है मुझे। बैंगन की सब्जी बनानी है, ये देखो बैंगन खरीदा है इन्होंने, पत्ता गोभी है, अभी सब्जी वाला आया था तो सब्जी खरीदा है, टमाटर, आलू, अदरक, हरी मिर्च। और तो ये चीज़ें जो है अब देखते हैं खाना क्या बनाना है, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो गाइस अब मेरा काम शुरू हो चुका है, और ये सुबह सबसे पहले काम जो होता है वो होता है बिस्तर उठाने का। तो यहाँ पे बिस्तर साफ़ कर रही हूँ, और सुबह बहुत भयंकर ठंड थी, और यहाँ आप देखोगे कि दो दो कंबल हम लोग ओढ़े हुए थे। फ़ैन वगैरह अभी तक चला रहे थे, लेकिन जब से ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है तब से फ़ैन भी नहीं चलाते हैं, और बहुत ठंड है सच में। रात में ना, मतलब कि अगर फ़ैन चला लोगे ना तो आप कांप जाओगे बहुत ठंड लगती है। तो यहाँ पे चाय जो थी मैं सुबह पी चुकी थी, लेकिन मैं दोबारा से चाय गर्म कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा चाय रखा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करके मैं चाय बना के और पी लेती हूँ, क्योंकि ब्लैक टी वैसे भी नुकसान नहीं करता है। तो और ठंड का भी टाइम चल रहा है, तो होता है मन कभी कभी करने लगता है पीने का। बाकी डेली तो ऐसा 2 बार नहीं पीते हैं, सिर्फ सुबह का टाइम पीते हैं या फिर कभी कभी शाम को पी लेते हैं, वरना नहीं। तो यहाँ पे एक कप की टुकली दूध भी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि उसको दूध पीना है। तो यहाँ पे चाय मेरी वो बन जाएगी, तो फिर बस चाय पी के और फिर अपना काम शुरू कर दूँगी। ये मैंने गाजर लेके रखे हुए हैं, और अब जब वो जब तक चाय हो रहा था मैंने सोचा चलो बिस्तर ही साफ़ कर लेते हैं। तो मंगलसूत्र रात को मैं उतार देती हूँ, क्योंकि रात को किट्टू जो है मंगलसूत्र खींचती है, सोती है साथ में ना, तो हाथ वगैरह मारती है, तो वो कुछ भी जैसे उसके हाथ में गले में अगर मैं चैन पहनी हूँ लॉक या मंगलसूत्र पहनी हूँ तो ना वो उसको खींचती है, ऐसे करके उसने कई बार मेरे मंगलसूत्र तोड़ चुके हैं। तो इसीलिए जो है अब मैं रात को उतार के रख देती हूँ मंगलसूत्र, और सुबह पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे बस बिस्तर साफ़ हो चुका है, और
एक तकिया जो है बाहर रखा हुआ है क्योंकि वो गीला गीला हो गया था, किट्टू ने उस पर दूध गिरा दिया था तो सुबह ही उसको बाहर कर दिया था। और बच्चों का यही है ना, मतलब उनको जिस चीज़ के लिए अपन मना करते हैं ना कि ये काम नहीं करना है वो वही करते हैं। मैं उसको इतना बोलती हूँ बेटा दूध नहीं फेंकते नहीं फेंकते, तो वो जानबूझ के मतलब फेंकती है, जब अपन मना करो तो और जानबूझ के। तो यहाँ पे मेरा चाय बन चुका है, अब बस चाय पीऊँगी। बड़ा मज़ा आता है ठंड में चाय पियो ना, मस्त आराम से बिल्कुल फ्री होके चाय पियो, और इसका मज़ा ही कुछ और होता है सुबह सुबह का। तो यहाँ पे किट्टू का दूध भी गर्म हो रहा है, तो किट्टू के लिए भी जो है सोचना पड़ता है थोड़ा सुबह सुबह, क्योंकि वो ना बहुत नखरे करती है आजकल, बिस्किट कुछ दोस्त या कुछ भी नहीं खाती है वो, तो उसको पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है। तो कभी कभी दादी दादी के यहाँ खा लेती है वो, और कभी कभी जो है नहीं खाती तो फिर मेरे पास आके मैं खिलाती हूँ उसको। वो चाय बहुत टेस्टी बना था आज का, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी, और ऐसा नहीं है कि आज ही बना था रोज ही बनता है, कभी कभी बाय चांस जो है बिगड़ जाता है, जैसे मन नहीं होता ना गुस्से में कभी कभी चाय बनाते हम तो फिर बिगड़ जाता है काम, ऐसा होता है। तो ये चाय है, दूध भी हो चुका है गर्म और मैंने इसको छान के रख दिया है। मलाई मैंने ये कटोरी में रखी है, ये मलाई को जो है मैं हम रख देंगे, हमारे यहाँ जो डॉगी है हम उसको दे देते हैं रोटी में, वो खा लेता है। और फ्रिज नहीं है मेरे कमरे में इसलिए, वरना मैं मलाई इकट्ठा करके हम उसका घी भी बना सकते हैं, तो अभी तो नहीं बना रही हूँ मैं, मम्मी बनाती हैं घर पे मायके में मेरे। और यहाँ पे कपड़े वगैरह रात में जो है हम लोग बाहर से अंदर रख लेते हैं, क्योंकि किट्टू के कपड़े बाहर नहीं रखते रात में, तो बस सुबह यही काम होता है, देखना पड़ता है कौन से कपड़े गीले हैं, जो कपड़े गीले होते हैं उनको हम बाहर धूप में रख देते हैं, जो कपड़े सूख जाते हैं उनको जमा के अलमारी में। तो बस क्योंकि किट्टू के कपड़े रोज़ धोने पड़ते हैं, उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, दिन में 3-4 बार उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, पानी वगैरह में खेलती है गंदा कर देती है, कुछ खाती है तो गिरा लेती है अपने ऊपर, तो इस वजह से। और पीछे से किट्टू की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो बस अब उसके कपड़े जो है सारे इकट्ठे करके और मैं रख दूंगी। और आज यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बाहर, ये देखो, तो मेरा जो मोबाइल है ना वो सेट करने के लिए देख रही हूँ कि मैं कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, क्योंकि ट्राईपोड जो है टूट चुका है, फिर से प्रॉब्लम मेरी बढ़ गई है। अब मुझे ट्राईपोड फिर से जो है या तो जोड़ना पड़ेगा या तो फिर ख़रीदना ही पड़ेगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा सा महंगा वाला ट्राईपोड जो है लेकर आ जाती हूँ, ताकि लॉन्ग टाइम तक चले। और अभी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, फिर भी मतलब चल गया वो, अच्छा चल गया। मैं स्टार्टिंग में जो थी सिर्फ 2-3 महीने मैंने ऐसी मोबाइल से वीडियो बनाया था, लेकिन जैसे ही मेरे पास ट्राईपोड आया तो मैं ट्राईपोड से वीडियो बनाने लगी थी। फिर मैंने 2-3 बार उसको जोड़ा, चौथी बार जो है मैंने उसको जोड़ा था अभी, और फिर से वो टूट गया है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे सोफ़ा जो है साफ़ कर लेते हैं। और वैसे सोफ़ा कवर में ना वाइट कलर ही अच्छा लगता है ना वैसे सोफ़े में, और अभी यहाँ पे सोफ़ा अलग अलग है ना, थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन घर के हिसाब से ही रखना पड़ेगा, जैसे घर में अपनी सहूलियत है। मैंने पहले सोफ़ा जो है एक और सोफ़ा जहाँ कूलर है वहाँ पे रखा था, आप लोगों को मैंने वीडियो भी शेयर करी थी कि मैंने साथ में रख दिया, आप लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने दोबारा से चेंज कर दिया। उसमें भी कुछ लोगों ने बोला कि दी क्यों चेंज कर दिया, तो भाई इसलिए चेंज किया क्योंकि किट्टू ना वहाँ सोफे पे चढ़ के और गैस के पास जाके बैठ जाती थी, तो अच्छा नहीं लगता ना, कभी अपन नहीं है या पानी वगैरह अपन ने गर्म करने के लिए गैस पे रखा है और वो आके कभी चढ़ता है पानी गिरा दे, तो ये ऐसे चीज जो हाथ से है ना उनसे बचने से पहले ही आपको तब सावधान होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोगों ने कूलर फिर से यहाँ रख दिया है, तो अब वो नहीं जा पाएगी वहाँ पे। पहले मैंने सोचा कि शायद बड़ी हो गई अब नहीं करेगी, लेकिन वो कर रही है अभी भी, हरकतें कर रही है अब तो और ज़्यादा कर रही है मतलब, तो इसलिए हमने सोचा नहीं, हमने गलती कर दी कूलर को वहाँ दूसरी जगह रख के, तो दोबारा से अब हमने यहाँ पे सोफे के बगल में लगा दिया है किचन के पास, देख रहे हो आप। तो गैस जो है रात को ही धो के रख दिया था, लेकिन दूध वगैरह जो है किट्टू के लिए
बनाते हैं ना रात में, तो वो हल्का फुल्का जो है गंदा हो जाता है, तो बस वही साफ कर रहे हैं। बाकी रूम देखो मेरा अच्छा लग रहा है ना, साफ होने के बाद बहुत प्यारा लगने लगता है ना रूम, और जब फैला रहता है ना तो बहुत गंदा लगता है, बहुत अजीब लगता है। सुबह उठो ना तो कमरा बहुत फैला रहता है, क्योंकि सुबह सुबह किट्टू के पापा उठते हैं, नहाते हैं, कंघी वगैरह करते हैं, फिर दुकान खोलते हैं, तो इस बीच में जो है ना बहुत गंदा हो जाता है। और रात को भी बाहर से कपड़े उठा के लाते हैं तो वो यहाँ वहाँ फैले रहते हैं, तो सुबह यही काम होता है, साफ सब मतलब घर को जो है ना पूरा अच्छे से जो है समेटना है, साफ करना है, और उसके बाद दूसरा काम। तो बस अब यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, बर्तन हैं और कपड़े वगैरह भी धोना है मुझे, और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं घर पे ना और बीच बीच में जो है ना वीडियो बनाने की टेंशन भी रहती है कि वीडियो बनानी है, वीडियो एडिट करनी है, फिर अपलोड भी करना है, फिर थंबनेल क्या बनाएं, टॉपिक क्या सोचें, क्या डालें टॉपिक, ये चीज़ें भी दिमाग में चलती रहती काम करते करते, तो थोड़ा सा जो है मतलब दिमाग फ्री नहीं रहता बिल्कुल भी। हमें लगता है ना कि थोड़ा दिमाग फ्री रहे, नहीं जैसे अगर हम बाहर जॉब करते हैं तो जॉब पे चले जाते हैं, फिर आते हैं तो घर पे अपना काम करने लगते हैं, लेकिन अभी जो है घर ही में है ना, तो काम के बीच में हमें वीडियो भी बनाना है और एडिट भी करनी है, फिर बेबी को भी देखना है अपना, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है मतलब बिजी लाइफ है हम लोगों की। लेकिन ये बातें जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर हैं, जो ब्लॉगिंग करती हैं, हाउसवाइफ एक, वो समझ सकती हैं, और ये काम लोगों को बहुत आसान लगता है। नहीं नहीं भाई, बहुत आसान नहीं, अगर आसान होता ना तो आज इतने बड़े बड़े यूट्यूबर जो इतनी मेहनत करके आज पहुंचे हैं ना, वो वहाँ नहीं हो पाते, क्योंकि हम जो हैं, हम तो देखो अभी यहाँ हैं, अगर हम मेहनत करेंगे तो हो सकता है हम भी वहाँ तक चल जाएंगे। तो भाई मेहनत ही सबसे पहले है, हर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, जो मेहनत करेगा, जो सब सहन शक्ति रखेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर यूट्यूब पे आए हो तो एकदम से कुछ भी नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। तो किस्मत अगर अच्छी होती है तो तुरंत भी आपकी वीडियो वायरल हो जाती है, अगर किस्मत अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं होता। कभी कभी किसी को सपोर्ट भी मिल जाता है किसी बड़े यूट्यूबर्स का, बट मुझे तो नहीं मिला किसी यूट्यूबर का सपोर्ट, बट मेरे न्यू सब्सक्राइबर, मेरे जो छोटे सब्सक्राइबर हैं या छोटे यूट्यूबर फ्रेंड हैं, उन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, उन्हीं लोगों की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ तो गाइस अभी जो है बस झाड़ू वगैरह लग जाएगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी, तो वीडियो एंजॉय करिए आप लोग। जाओ तुम बस किसी, अरे यार कि किसी दे दो, किसी किसी दे दो बाबू 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 कैसे हो बाबू, कैसे हो पूछो, कैसे हो पूछो, किसी दे दो ना फ्लाइंग किस दो, ऐसे दो ऐसे ऐसे दो फ्लाइंग किस दो ना कि टू, चलो 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 हटो हटो। तो गाइज यहाँ पे जो है मेरा काम हो चुका है, और मैंने सिर्फ झाड़ू बस का दिखाया था आपको, बाकी काम झाड़ू और के बाद जो है पोछा और बर्तन मैंने कर लिया है, और अब मुझे बनाना है खाना, तो उसके पहले मैं नहा लेती हूँ और फिर मैं खाना बनाऊंगी, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और किट्टू के लिए मैंने कुछ खरीदारी करी है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। किट्टू के लिए मैंने टी शर्ट मंगाया है, ये देखो ये टी शर्ट है, ये 5 टी शर्ट है, और ये मैंने मंगाया है मीशो से, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े आए हैं, बहुत ही अच्छा सामान मिलता है, जो भी सामान आप ऑर्डर करो। तो ये देखो ये
ये टी शर्ट कुछ इस तरीके से मैंने थोड़े से बड़े साइज के मंगाए हैं, क्योंकि ये गर्मी के लिए मैंने मंगाए। ठंड तो ऐसा है कि अभी स्वेटर वगैरह पहनती है, नीचे इनर वगैरह पहनती है, तो ठंड अब बस फरवरी है, फरवरी के आधे से जो है थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो जाती है। मार्च तक तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है, मतलब जब होली आएगी ना उसके पहले जो है ना गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये टी शर्ट मंगा के रखी है, थोड़े बड़े हैं, ये आराम से किट्टू को जो है आ जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छे अच्छे कलर में हैं, ये देखो कलर इसके बहुत प्यारे हैं, ये देखो। और ये देखो ये तो ये हर कलर के हैं, पांच हैं और पांचों कलर के हैं। पर्पल रेड है, पर्पल ग्रीन येलो और ये भी पर्पल, तो ये इतने कलर के हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसका कपड़ा बहुत ही प्यारा कपड़ा है इसका, सच में मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद आया है ना कि मैं क्या बताऊँ। अब मैंने पांच टी शर्ट ये डेली यूज़ के लिए मंगाए, मतलब डेली पहनने के लिए, और गर्मी में हल्के कपड़े ठीक रहेंगे। और अभी मुझे उसके लिए और भी सामान मंगाना है, तो धीरे धीरे करके मैं मंगाऊंगी। तो जब मैं मंगाऊंगी तो उसका भी ज़रूर आपसे रिव्यू शेयर करूंगी कि कैसा था प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छे हैं मीशो के, और मैं ना भरोसा कर चुकी हूँ उस पर, और मैं सारे सामान वहीं से ऑर्डर करने वाली हूँ नेक्स्ट टाइम भी, आगे भी। तो गाइस बस आज का ब्लॉग इतना ही था, ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो सब लोग जो है मुझे कंटिन्यू मैसेज करके पूछ रहे थे, तो और बोल रहे थे ब्लॉग कब आएगा, तो मैंने सोचा मैं आज आप लोगों के लिए ब्लॉग बना देती हूँ। तो मैं पूरा काम जो है आप लोगों से शेयर करने वाली थी, बट बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मेरा ट्राईपोड जो है फिर से टूट गया है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा ट्राईपोड ना चौथी बार टूट चुका है, और अब जो है मैं उसको सोची हूँ चेंज कर ही दूंगा मैं। तो इस मंथ जो है मैंने बहुत सारी प्लानिंग करी है। अब आप बोलोगे कि मैंने प्लानिंग क्यों करी है, इसलिए करी है क्योंकि मेरी सैलरी आने वाली है, बट अभी तक मेरी सैलरी नहीं आई, मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि मुझे मोबाइल भी ख़रीदना है और ट्राईपोड भी ख़रीदना है। ट्राईपोड मोबाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक यूट्यूबर के लिए, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो मोबाइल ही नहीं होगा तो आप वीडियो कैसे बनाओगे। ये वाला मोबाइल है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि इससे वीडियो नहीं बनती है, ये वाले मोबाइल से वीडियो बन रही है, बट आप खुद देख रहे हो कि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। यहाँ तक कि मैं लाइव कर रही थी तो मेरी वॉइस ही नहीं आ रही थी लोगों को, कम जब लोगों ने मुझे बताया 10 मिनट तक मैं बक 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 करती गई, लोग बोलते आप क्या बोल रहे हो, हमें तो सुनाई नहीं दे रहा। जब उन्होंने ये सब बोला तब फिर मैंने थोड़ा सा उसको सही किया, पता नहीं म्यूट वगैरह था क्या था, म्यूट जबकि था ही नहीं, लेकिन मैंने जब उसको ऑफ ऑन 4-5 बार किया ना तब मेरी आवाज़ जो है आने लगी थी, तो ये दिक्कत हो रही है। और वीडियो भी बनते बनते जो है ना अपने आप बंद हो जाती है, मतलब बनाने के लिए मैं रख देती हूँ, मैं सोची वीडियो बनती है और पता चले कि वो ऑफ हो जाता है, तो ऐसा हो रहा है। तो मैं सोची एक अपना खुद का एक पर्सनल मोबाइल हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो बस अब अगर इसमें मेरी सैलरी आ जाती है तो मोबाइल मेरा आ जाएगा, बाकी अब भगवान के ऊपर है, भगवान अगर चाहता है तो। तो चलिए गाइस बस आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।